say those three little words. I hate you, Liv. Stupid. Are you deaf? This is the Cult of Wrestling, guys. So, भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रो के बारे में और लेटेस्ट अपडेट्स है, इसलिए कह रहा हूँ भाई पूरी वीडियो देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बिकॉज हमारे चैनल पे हर रोज़ वीडियो नहीं आती, दो दिन बाद आती है, तो भाई लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो आती है, इसलिए एक रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बात करने वाला हूँ समर स्लैम से रिलेटेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की, मैंने आपको भाई ऑलरेडी बता दिया था, करीबन एक महीने पहले से बता दिया था कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर, बट ऑफिशियली ये नहीं हुआ था, लेकिन आज फाइनली मंडे नाइट रो के एपिसोड में सीएम पंक ने खुद को मेडिकली क्लियर बताया, ऑफिशियल हो चुका है कि सीएम पंक इज बीन मेडिकली क्लियर एंड वो कम्पीट करने वाले हैं समर स्लैम में। कल की वीडियो में बता चुका था भाई सीएम पंक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, सबको प्रेडिक्शन पता थी, दैट फॉर श्योर। और भाई सीएम पंक आते सारे ड्रू मैकइंटायर को कॉल आउट करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ड्रू मैकइंटायर लेट्स फिनिश आवर स्टोरी, लेट्स फिनिश आवर चैप्टर। तो भाई ड्रू मैकइंटायर का आना, उसके बाद एक ब्रोल टाइप होना, लेकिन आता भाई देखने को नहीं मिली, ब्रोल टाइप हो रहा था लेकिन भाई ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक ने एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाया, बिकॉज आई डोंट नो मैन, रेफरी बीच में आ जाते हैं, कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, समर स्लैम में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों फाइनली द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में एक सिंगल मैच समर स्लैम के लिए बुक हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ भाई चीज़ से, बिकॉज सीएम पंक 10 सालों के बाद रिंग में कम्पीट करेंगे डब्ल्यू कंपनी की, और भाई सही कह रहा हूँ यार, बवाल मच जाने वाला है। आई थिंक ये मेन इवेंट होना चाहिए समर स्लैम का, दिस इज द रियल मेन इवेंट। लेकिन भाई मसाला तब पड़ गया जब यहाँ पे सेथ रोलिंस आया और सेथ रोलिंस ने खुद को बताया कि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला है इस मैच में। ये भी आपको मैं एक महीना पहले बता चुका हूँ कि सेथ रोलिंस को यहाँ पे इन्वेस्ट करना सीएम पंक और मैकइंटायर के बीच में कहीं ना कहीं सीधा साधा इशारा है समर स्लैम में स्पेशल गेस्ट रेफरी जो सेथ रोलिंस का करेक्टर होने वाला है वहीं पर होने वाला है। और आज ये क्लियर हो चुका है कि सेथ रोलिंस यहाँ पे सीएम पंक मैकइंटायर के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी की भूमिका निभाने वाले हैं, ये चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है। और इनके बीच में आज फाइनली मैच डब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया है सोशल मीडिया पर। अब दोस्तों आपको समर स्लैम का वेट करना है, 3 अगस्त को सुबह 5:30 बजे या 4:30 बजे समर स्लैम आएगी, कंफर्म कर दूंगा। और सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एक लोता समर स्लैम का बड़ा मैच है भाई, दिस इज द मेन इवेंट एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच। इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी बात नहीं करूँगा बिकॉज अभी कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाएगी। समर स्लैम से पहले प्रेडिक्शन लेके आने वाला हूँ, वहाँ पर सब क्लियर कर दूंगा कौन जीतेगा इस मैच में, क्या होने वाला है लास्ट मिनट अपडेट। लेकिन आज की वीडियो में फर्स्ट अपडेट ही करना भी, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज मेडिकली क्लियर, समर स्लैम के लिए मैच कन्फर्म है। अब दोस्तों बात करें द नेक्स्ट मैच की भाई, ये है सैमी ज़ेन वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर, ये मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए, पार्ट 2 होने वाला है इनके बीच में। अब यहां पर दोस्तों बड़ा बवाल होगा बिकॉज यहां पर सैमी ज़ेन हारने वाला है, जी हां, अब फाइनली ये चीज होने वाली है। ये भी मैं आपको 2 महीने मतलब 1 महीना पहले बता चुका था, मैं आपको ना 2-3 महीने पहले की प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है ना वो अपडेट मिलती है पहले से। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच होने वाला है समर स्लैम में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मनी इन द बैंक से पहले, बिकॉज मनी इन द बैंक में सैमी ज़ेन का होम टाउन था, वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज था जीतने का, लेकिन समर स्लैम के बीच में दोबारा से मैच हो रहा है और अब फाइनली ब्रॉन ब्रेकर हराने वाला है सैमी ज़ेन को। आई थिंक इस मैच में क्लियर तरीके तो ब्रॉन ब्रेकर नहीं हरा पाएगा, हो सकता है सैमी ज़ेन को लो ब्लो लगा दे या फिर चीटिंग वगैरह करके जो है वो ऐसे वो जीत जाए टाइटल, लेकिन हाँ सैमी ज़ेन का इस मैच में हारना जो है वो क्लियर कट है। अब दोस्तों बात करें लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली के बारे में, अब देखिए ये भी आप जानते हैं आज के एपिसोड में भाई लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के बीच में बहुत कुछ हुआ,
रिया रिप्ली ने आज फाइनली डोमिनो को अचीव कर लिया है। वाकई में भाई ये दोनों ने ना सही में कहूँ बवाल मचा दिया आज। और रिया रिप्ली और डोमिनो जो है इनके बीच में जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी आज क्लियर हो चुकी है। रिया रिप्ली को भरोसा आ चुका है कि डोमिनो मिस्टीरियो यानी कि चूजा उसके साथ ही है, लिव के साथ नहीं है। और आज लिव को रोना पड़ गया, लिव को धोखा दे दिया डोमिनो ने। डोमिनो ने कहा कि तू कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में जो हुआ वो सिर्फ नाटक था, झूठ था, जो सच्चाई है तू रिंग के अंदर देख ही रही है। रिया रिप्ली इज ऑलरेडी माई लेडी। सो भाई ये दोनों की जोड़ी कन्फर्म है। लेकिन भाई लिव मॉर्गन का क्या हुआ, लिव मॉर्गन की चीजें कैसे होने वाली है दोस्तों? समर स्लैम में इनके बीच मैच होने वाला है, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। और दोस्तों इस मैच में बवाल होने वाला है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा समर स्लैम से एक दिन पहले क्या होने वाला है, बिकॉज रूमर बहुत ज्यादा है, बैटिंग ओर्स है मेरे पास, अभी रिवील नहीं करूंगा बिकॉज बहुत खेला होने वाला है इनके मैच में। जी हाँ बिल्कुल। अब दोस्तों बात करें आज एक और सेगमेंट के बारे में, देखिए ये है गुंथर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट। अब देखिए दोनों के बीच में ब्रोल सा हो गया, दोनों के बीच में भाई देखा जाए तो मतलब सही कह रहा हूँ भाई, ये फ्यूड बहुत अच्छी जा रही है। वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई इनके बीच में जो ब्रोल दिखाने का अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन था। और आज दोनों के बीच में ब्रोल हुआ, सेगमेंट हो चुके हैं, प्रोमो बैटल हो चुके हैं, लेकिन आज फाइनली ब्रोल हुआ गुंथर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट के बीच में। अब दोस्तों मैच होने वाला समर स्लैम में वर्ल्ड टाइटल के लिए, भाई कौन जीतने वाला कौन हारने वाला अभी बताऊंगा नहीं, बताऊंगा समर स्लैम से पहले। लेकिन हाँ दोनों का पलड़ा भारी हो चुका है, पहले डैमियन प्रिस्ट के चांसेस बहुत कम थे रिटेन करने के, लेकिन अब वो बढ़ चुके हैं, तो आई थिंक 50-50 मामला हो चुका है। अब बात करेंगे समर स्लैम पहले प्रेडिक्शन में कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। अब दोस्तों बात करें द लास्ट अपडेट ऑफ मंडे नाइट रो इज गोना बी द अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस। आज फाइनली अंकल हाउडी का हमको फर्स्ट अटेम्प्ट देखने को मिला चैड गेबल पर। भाई चैड गेबल पर जो अटैक किया ना अंकल हाउडी ने, भाई बवाल मचा दिया, फीड की याद आ गई मेरे को भाई, सही कह रहा हूं फीड की याद आ गई। वाकई में भाई मैं चाह रहा था कि फीड वापस आए, लेकिन वो तो नहीं आया, लेकिन हाँ बो डैलस अंकल हाउडी बन के आया। और फाइनली वही सेम चीज़ है, सिस्टर एबिगेल मारी है, सब वापस आ चुका है। और अब फाइनली इनके बीच में मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल होने वाला है, मेरे को तो लगता है मैच ऑफिशियल है, मज़ा आने वाला भाई समर स्लैम में। अंकल हाउडी वर्सेस चैड गेबल बवाल मचा देगा। और यहाँ पे अंकल हाउडी की फैक्शन एक फेस करेक्टर है, मतलब फेस वाली फैक्शन है, हील नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन भाई मैं पर्सनली चाहूँगा कि ये जो फैक्शन है वाइट सिक बवाल मचा दे भाई, सही कह रहा हूँ। और देखा जाए भाई आज का जो मंडे नाइट रो था ना बहुत अच्छा था, सही कह रहा हूँ, बवाल मचा दिया सीएम पंक की वजह से, बहुत अच्छा हुआ अंकल हाउडी का डेब्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और आज जो है फाइनली हमको भाई मंडे नाइट रो का एक बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला, स्मैकडाउन से बहुत अच्छा था। अब दोस्तों बात करूँ भाई स्मैकडाउन की, देखिए स्मैकडाउन की रेटिंग बहुत गिरती जा रही है, 1.9 मिलियन व्यूअरशिप आई है लास्ट वीक की, बहुत गिरती जा रही है। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, स्मैकडाउन में सेम स्टोरी को हर हफ्ते दिखाया जा रहा है, आज जो दिखाया अगले हफ्ते वही होने वाला है, अगले हफ्ते वही होने वाला है, यार कुछ बदलो। मंडे नाइट रो बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज मंडे नाइट को करना लाजमी भी है, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है बहुत जल्द वो, और उनको बवाल मचाना पड़ेगा। लेकिन स्मैकडाउन के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं अब अच्छी नहीं है, रोमन का रिटर्न होगा तब स्मैकडाउन की रेटिंग अच्छी आएगी, लेकिन भाई स्मैकडाउन अब डाउन जा चुका है और मंडे नाइट्रो दोबारा से टॉप पे आ चुका है। वाकई में मंडे नाइट्रो का कंटेंट बहुत अच्छा है, वाकई में मंडे नाइट्रो बवाल मचा रही है, बेहतरीन एपिसोड दे रही है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सही कहूँ तो ट्रिपल एच मंडे नाइट्रो को बहुत ही अच्छी तरह से बुक कर रहा है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, जब एक बेहतरीन शो बनता है, एक बेहतरीन बुकिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों बात करें आज के लेटेस्ट अपडेट्स की, सबसे पहले अपडेट की बात करें ये है नन अदर देन द ऑलमाइटी बॉबी लेशली। अब देखिए बॉबी लेशली को लेकर बहुत बड़ी बात है, बॉबी लेशली का कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ही मतलब 10 अगस्त के आसपास एक्सपायर होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है डब्ल्यू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बॉबी लेशली का, जो उन्होंने साइनिंग कर रखा था आई थिंक। और अभी तक बॉबी लेशली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा नया, ना उनको ऑफर किया गया है, रीसाइनिंग के बारे में बॉबी लेशली की कोई भी न्यूज़ नहीं है कि बॉबी लेशली साइन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। लेकिन दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि बॉबी लेशली हो सकता है रीसाइन ना करे। जी हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि जैसा मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि अभी फ़िलहाल डब्ल्यू कंपनी का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है,
डब्ल्यू कंपनी को आई थिंक किसी की ज़रूरत नहीं है किसी पुराने सुपरस्टार की लेटेस्ट सुपरस्टार को पुश करने के लिए, जिस वजह से भाई उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्रॉक लेसनर हो गया, बॉबी लेशली हो गया, एक ओमस नाम का जैन था, इन सबको जो है ना डब्ल्यू कंपनी को बुलाना नहीं चाह रही। सही कह रहा हूँ, डब्ल्यू कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बॉबी लेशली वो बंदा है जो किसी भी मैच को बहुत ही फिजिकल बना सकता है, बहुत ही इंटेंस बना सकता है। और सही कहूँ तो भाई बॉबी लेशली बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार है, इसमें कोई भी शक नहीं है, यह सब आपको पता है। बहुत ही अच्छा है, कमाल की रेसलिंग कर सकता है, कमाल का एथलीट है वो, बहुत ही सुपर जिमनास्टिक है। और बॉबी लेशली की अगर आप फ्यूड करवाते हो ब्रोन ब्रेकर के साथ, बॉबी लेशली वर्सेस सैमी ज़ेन, बॉबी लेशली वर्सेस गुंथर, बॉबी लेशली वर्सेस कोडी रोड्स, भाई आप सोचो कितनी बड़ी फ्यूड बन सकती है। लेकिन भाई ट्रिपल एच को, डब्ल्यू कंपनी को इनमें कुछ नज़र नहीं आता, उनको लगता है कि सब पुराने हो चुके हैं, इनको दोबारा से क्यों बुलाऊं मैं। तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, बॉबी लेशली भाई बुड्ढा थोड़ी ना हो गया, वो भी तो अच्छी रेसलिंग करता है यार। बॉबी लेशली को पूछ देना बंद ही कर दिया है। विंस मैकमैन जो है बॉबी लेशली को बेहतरीन तरीके से बुक करता था, वहीं ट्रिपल एच ने बॉबी लेशली की खाल उखाड़ के रख दिया है। बॉबी लेशली का दोबारा से रिटर्न हुआ था एक फैक्शन के साथ, स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ, लग रहा था कुछ बवाल होगा, दी हर्ट बिजनेस 2.0 आएगा, लेकिन भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये फैक्शन पूरी कॉमेडी बन के रह गई या समझ सकते हो। तो एक तरह से बॉबी लेशली का जो ये लास्ट रिटर्न था ये फेल हो गया पूरी तरह से। आई डोंट नो क्या होने वाला फ्यूचर में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बॉबी लेशली, मैं क्या चाह रहा हूँ तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि बॉबी लेशली कंपनी में रिसाइन ना करें। जी हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि बॉबी लेशली डब्ल्यू कंपनी को छोड़ दें, रिसाइन ना करें। बॉबी लेशली को अगर कहीं जाना ही है तो उनके लिए सिर्फ एक ही जगह बसती है, उनके लायक ऑल एलिट रेसलिंग। जी हाँ, AEW कंपनी बसती है जो बॉबी लेशली को अच्छी तरह से बुक कर सकती है, और बॉबी लेशली वहाँ पर जाके अपने असली पावर दिखा सकते हैं, असली करिश्मा दिखा सकते हैं कि बॉबी लेशली तो 2005-06-07 में था वो दिखा सकता है कि बॉबी लेशली था क्या। TNA के अंदर बॉबी लेशली ने इतना कमाल का काम किया है, वही बॉबी लेशली AEW कंपनी में जा सकता है। और आई थिंक टोनी खान को बॉबी लेशली को साइन कर लेना चाहिए, बिकॉज बॉबी लेशली ने भी कहा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं फ्री एजेंट बन के देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन कौन ऑफर करता है। तो भाई टोनी खान मेरे ख्याल से बॉबी लेशली को साइन कर लेगा, और बॉबी लेशली का यहाँ पे ऑल एलिट रेसलिंग में जाना भाई कन्फर्म बता रहा हूँ। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बॉबी लेशली अपने आने वाले करियर के कुछ दिन जो भी बचे हैं 2-3 साल अच्छी तरह से रेसलिंग कर दें, मतलब बवाल मचा दे, जैसे कि स्टिंग ने मचाया था वैसे ही बॉबी लेशली मचा सकता है भाई। और सही कहूँ तो बॉबी लेशली को वाकई में मैं सही कह रहा हूँ भाई, बॉबी लेशली को जाना चाहिए, बॉबी लेशली को सही कहूँ तो भाई बॉबी लेशली को जाना चाहिए AEW कंपनी के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सही कह रहा हूँ। द नेक्स्ट अपडेट इज़ गोना बी स्टेफनी मैकमैन। जी हाँ, स्टेफनी मैकमैन के बारे में वैसे कोई अपडेट आती नहीं है, लेकिन स्टेफनी मैकमैन ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक चीज़ रिवील करी है अपने डैडी के बारे में, यानी कि विंस कैनेडी मैकमैन के बारे में। स्टेफनी मैकमैन ने बोला है कि दिस इज़ अ कंपनी व्हाट ही क्रिएटेड, ही फाउंडेड, ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इन हिज रिटायरमेंट ही इज थैंकफुल सोल ऑफ यू। स्टेफनी मैकमैन अबाउट विंस मैकमैन रिटायरमेंट। अब आपको याद ही होगा 2 साल पहले 2022 में जुलाई के मंथ में ही विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट ले ली थी कंपनी से, कंपनी को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद ही कंपनी को भेज दिया एंडेवर को, उसके बाद चीज़ें हुई। लेकिन विंस मैकमैन की लास्ट अपीयरेंस थी वो 2022 में थी जुलाई में, आपको याद होगा जब ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि मैं मैच नहीं लड़ने वाला समर स्लैम में, चीज़ें हुई थी। तो भाई स्टेफनी मैकमैन ने कहा है कि विंस मैकमैन के बारे में, जो विंस मैकमैन है उसने डब्ल्यू कंपनी को बनाया है, उसका सपना था, उसने ढूंढा है, उसने क्रिएट किया, जिसमें इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं इसको झुटला सकता कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यू कंपनी को चलाया है, विंस मैकमैन ने डब्ल्यू कंपनी को यहां तक बढ़ाया है। बिकॉज मैं सही कह रहा हूं, विंस मैकमैन ना होता तो भाई आई डोंट थिंक सो ये कंपनी चल पाती, उस बंदे का टेढ़ा दिमाग था, इसलिए वजह से डब्ल्यू कंपनी आज तक सक्सीडेड है, और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए आई थिंक विंस मैकमैन पर जितने भी एलिगेशन लगे हैं, लेकिन सबको पता था अगर विंस मैकमैन चला गया तो कंपनी को कोई और रन नहीं कर सकता। विंस मैकमैन ने जिस तरह से बैक स्टेज डब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज में माहौल बनाया था, रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, स्ट्रिक्टनेस बनाई थी, वो उसकी लोग तारीफ करते हैं। दिस इज वाई विंस मैकमैन ने डब्ल्यू कंपनी को अच्छा बनाया था, रेसलमेनिया को बनाया था। और स्टेफनी मैकमैन का ये कहना है कि विंस ने डब्ल्यू कंपनी को बनाया है तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल इसमें सच्चाई है।
सो ये कुछ चीजें थी। अब दोस्तों बात करते हैं, द लास्ट अपडेट इज गोना बी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। अब देखिए रोमन के बारे में सही हो तो भाई कोई अपडेट नहीं है जी, आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है। जी हाँ, रोमन के बारे में सही कहूँ तो भाई कोई भी अपडेट नहीं है कि रोमन का रिटर्न होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊँ, मैं क्या चाह रहा हूँ और सही कहूँ, पर्सनली ये होने वाला है, पर्सनली चाहूँ तो भाई ये होने वाला है। अब देखिए एक चीज़ तो आपको पता ही है कि रोमन रेंग्स इज द बिजनेस। रोमन रेंग्स अगर है डब्ल्यू कंपनी के अंदर तो उनके पास बिजनेस है, उनके पास सक्सेस है, अभी के फिलहाल से समय के बता रहा हूँ। इसलिए रोमन का रिटर्न बहुत ज़रूरी है और स्मैकडाउन के लिए, स्मैकडाउन जैसे ब्रांड के लिए रोमन का रिटर्न बहुत ज़रूरी है। और अभी ब्लड लाइन की स्टोर लाइन सही कहूँ तो ये मेरी चॉइस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की स्टोर लाइन ख़त्म होने वाली है, फिनिश होने वाली है। जेकब फाटू, सोलो सिकोवा, टामा टूंगा जितने भी बंदे हैं सही हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर वीक सेम फ्यूड, सेम अटैक, सेम एक्शन, सेम प्रोमो। और सोलो सिकोवा को देख लो भाई, जब ये बंदा माइक पे बोलता है एक्नॉलेज मी, यार तू भगवान से तो डर मेरे भाई, तू बोल क्या रहा है? ट्रिपल एच कैसे सोच सकता है कि उसको बुलवाएगा एक्नॉलेज मी? कोई करिश्मा नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कमाल की पर्सनैलिटी नहीं, और बंदों से बोल रहा है एक्नॉलेज मी। कैन यू इमेजिन लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे? यार ये चीज़ अच्छी होती लेकिन अगर आपने कुछ करा होता। सोलो सिकोवा ने क्या करा है? कुछ भी नहीं किया अभी तक सोलो सिकोवा ने। आई थिंक आप मेरे को बताइए, सोलो सिकोवा ने अभी तक ऐसा क्या किया है कि उसको मतलब बड़ी विक्ट्री उसको क्या मिली है? मतलब क्लियर कहेंगे जॉन सिना को हराया है क्राउन जूल में, वो मैं मानता नहीं बिकॉज चीटिंग से हराया था, लो ब्लो मार के ये सब, तो मेरे को लगता नहीं किसी भी एंगल से ये विक्ट्री थी, बिकॉज जॉन सिना तो खुद ही रिटायरमेंट ले चुका है, मतलब लेने वाला है, वो खुद ही हारता है मैचेस, तो वो बड़ी विक्ट्री नहीं थी। ऐसे सोलो सिकोवा ने क्या करा है कि उसको एक्नॉलेज करेगी पब्लिक? बिल्कुल भी नहीं है। और सही कहूँ तो डब्ल्यू कंपनी को इस पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आ रहा। सोलो सिकोवा जब बोल रहा है एक्नॉलेज मी, पब्लिक को बिल्कुल रिएक्शन नहीं आ रहा। डब्ल्यू यूनिवर्स इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई भी ना बू दे रहा है ना कोई चीयर दे रहा है। स्मैकडाउन का एपिसोड में आप देख ही चुके हो। सो ये चीज़ें हैं। तो ब्लड लाइन की स्टोर लाइन अभी जब तक चल रही है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रोमन का आना बहुत ज़रूरी है। समर स्लैम में कंफर्म है कि रोमन आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, और रोमन की वजह से ही कोडी रोड्स बचा पाएगा अपना टाइटल, अनडिस्प्यूटेड टाइटल। नहीं तो सोलो सिकोवा तो भाई इसको छोड़ने वाला है नहीं। तो रोमन का रिटर्न होगा, सोलो सिकोवा पे अटैक होगा, एंड देन उसके बाद रोमन का सिंगल रिटर्न होगा विद पॉल हेमन आई थिंक, एंड देन उसके बाद चीज़ें चलने वाली हैं। रोमन दोबारा से अपने भाइयों को बुलाएगा जिसकी मदद करो आगे, दोबारा से ब्लड लाइन को बुलाएगा। सो ये चीज़ होने वाली है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसे हैं कि समर स्लैम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बवाल होगा, बिकॉज समर स्लैम भाई सही कहूँ तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर बुक हो गया, बेहतरीन है। लेकिन अब जो है रोमन का रिटर्न बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नाउ द बिगेस्ट समर स्लैम इज कमिंग, द बिगेस्ट थिंग इज कमिंग। बिकॉज राइट नाउ दोस्तों आपको सही बताना चाहता हूँ कि मतलब डब्ल्यू कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वाकई में। मंडे नाइट रॉ को तो बवाल मचा दिया, अब स्मैकडाउन भी अच्छा करेगा जब रोमन का रिटर्न होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज भाई मतलब दिस इज अबाउट ब्रॉक लेसनर एंड लास्ट अपडेट गोना बी दैट। तो द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में भाई लेटेस्ट अपडेट क्या है? कल बता चुका हूँ कि ब्रॉक के रिटर्न के चांसेस बहुत मुश्किल है, और मतलब बहुत ही भारी दिल से मुझे बताना पड़ा कि ब्रॉक नेवर रिटर्न टू WWE। और आज अपडेट क्या है इसके बारे में, देखिए अपडेट तो सिंपल सी है कि मतलब एक्सपेक्टेशन है लेसनर का रिटर्न इस साल, मतलब एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं जितनी नॉलेज मुझे है, फ्यूचर बताऊं मैं आपको, तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट हुआ अभी, मुझे नहीं लगता कि लेसनर इज बैक। Lesnar is coming back and you believe me, Lesnar is coming back. I don't know कब हो सकता है, SummerSlam हो सकता है, Crown Jewel, Bad Blood, Survivor Series, Royal Rumble, WrestleMania से पहले, WrestleMania में तो नहीं, WrestleMania से पहले ही आएगा, लेकिन हाँ Brock Lesnar पर अभी तक देखा जाए कोई ऐसा मतलब हेट नहीं है। आई थिंक मैंने तो देखी नहीं यार, लोग कह रहे हैं कि Brock Lesnar का नाम खराब हो गया, और Dave Meltzer बोल रहा है Brock का नाम खराब हो गया, यार कैसे? मैंने देखा नहीं, मैंने ब्रॉक लेसनर के बारे में कोई हेट नहीं सुनी, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं सुनी कोई ब्रॉक लेसनर को ट्रोल कर रहा हो, ब्रॉक लेसनर का मजाक उड़ा रहा हो, बिल्कुल नहीं देखा। हॉल ऑफ फेम में जब ब्रॉक का नाम लिया था पॉल हेमन ने,
तब भी चेयर मिली थी ब्रॉक लेसनर के नाम पर, पूरी अरीना के अंदर फैन चेयर करते हैं ब्रॉक को, ब्रॉक का नाम लिया जाता है डब्ल्यू कंपनी में, आपने देखा होगा माइकल कोल भी लेता, सब लेता है। ट्रिपल एच ने कहा था कि ब्रॉक इज इन WWE, इज नेवर गोन फ्रॉम WWE, जब इतनी बड़ी बात वो कह रहा है तो भाई आप समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, बिल्कुल होगा ब्रॉक का रिटर्न। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि USA है वो, इंडिया नहीं है। इंडिया में तो भाई किसी बंदे का नाम खराब होता है उसको ख़त्म ही कर दिया जाता है, लेकिन USA है, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। विंस मैकमैन को इतने मौके दिए गए तो ब्रॉक क्या चीज़ है, ब्रॉक पर तो कोई इतना बड़ा, वो भी एलिगेशन है ही नहीं इतना बड़ा, उसने कोई किसी का कुछ कांड वांड नहीं कर दिया, किसी को जबरदस्ती नहीं कर दिया, समझ लो एक तरह से। सो लेसनर का रिटर्न होगा एज अ माय चॉइस, एज अ फैन ऑफ ब्रॉक लेसनर मैं चाहता हूँ उसका रिटर्न हो। और रेसलमेनिया 41 से पहले तो लेसनर का रिटर्न कन्फर्म है। समर स्लैम में मानता हूँ नहीं होगा, हो सकता है गुंथर वर्सेस डैमन ब्रिज के मैच में एंडिंग में आ जाए लेसनर, जब गुंथर टाइटल जीत जाए तब लेसनर आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है बिकॉज समर स्लैम में दो मैसिव रिटर्न लेसनर रोमन का नहीं हो सकता, रोमन का रिटर्न होगा। सो लेसनर का रिटर्न आई होप इज माय पर्सनल ओपिनियन, शायद बैड ब्लड के लिए या क्राउन जूल के लिए, या जब डब्ल्यू कंपनी को लगेगा कि रोमन नहीं है ब्रॉक की जरूरत है तो आई थिंक लेसनर विल रिटर्न। लेकिन अभी के लिए समर स्लैम तक लेसनर की कोई नीड नहीं है डब्ल्यू कंपनी को एज ए ट्रिपल एच को, इट इज़ माई ओपिनियन। सो दिस इज दैट। सो दोस्तों ये अपडेट्स ही लेटेस्ट फ्रॉम WWE, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, बिकॉज इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल दैन आई डोंट थिंक सो वी ग्रो अप। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।